आप सब, मैं आप सबकी रिम्पी मैम आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो काफ़ी वरीड हो रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, और किसी भी फेक वीडियो को असली मान लेते हैं। और काफ़ी सारे बंदे हैं जो फेक वीडियोस डालते हैं, फेक नोटिस डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप उन बातों को बिल्कुल भी सच मत मानिए। जब तक कि वो नोटिस CBSE की वेबसाइट पर ना आ जाए, आप लोगों को किसी भी बात को सच नहीं मानना। सच वो है जो हम दिखा रहे हैं, यानी कि आप लोगों को रिम्पी मैम सिर्फ वही नोटिस दिखाती है या वही नोटिस बताएगी जो कि वेबसाइट के ऊपर है। तो आज CBSE की वेबसाइट पर एक नोटिस आया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। देखिए, क्योंकि छात्रों या शिक्षकों और स्कूलों द्वारा COVID-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति का सामना किया जा रहा है, इसलिए CBSE ने छात्रों के लिए परीक्षाओं के दौरान अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने व विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श व उनके विचार जानने के पश्चात के लिए निम्नलिखित निर्णय तदनुसार सूचित किए जाते हैं। यानी कि CBSE ने क्या अनाउंसमेंट किया है, देखिए। सबसे पहले है इसके अंदर, कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होंगी। यानी कि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम होंगे 4 मई से शुरू होने जा रहे हैं। स्कूलों को कक्षा 12 की प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 यानी कि मंडे से इसी कक्षा की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि तक दी जाएगी। यानी कि आप लोगों के स्कूल प्रैक्टिकल भी लेगा, प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाएगा फाइनल एग्जाम्स तक। इसी प्रकार स्कूलों को कक्षा 10 की प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन की अनुमति 1 मार्च 2021 यानी कि इसी सोमवार से इसी कक्षा की लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि तक दी जाएगी। आप लोगों को समझ आ गया, दो बार दे रखा है ये इसी नोटिस के अंदर। जल्द ही दोनों कक्षा 10 व 12 की परीक्षा समय सारणी जारी, यानी कि आप लोगों की डेट शीट आने वाली है, थोड़े दिन बाद आ जाएगी। क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे डेट शीट आएगी और जो आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आएगी उसमें काफ़ी फासला होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट बता दी गई है कि 4 मई से एग्ज़ाम होंगे, तो डेट शीट भी आप लोगों की आने वाली है, ताकि आप लोग प्रॉपर अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कर सको। CBSE समय समय पर परीक्षा से संबंधित जानकारी के बारे में सभी हितधारकों को सूचित करेगा। जानकारी CBSE की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया है ना कि किसी भी फेक वीडियो को देख के, किसी भी नोटिस को देख के सच नहीं माननी वो बात, जो नोटिस CBSE की वेबसाइट पर आए सिर्फ उसी को सच मानना है। सोशल मीडिया सहित किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी को तब तक सही नहीं माना जाए जब तक कि यह जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ना हो। यानी कि जब तक वो बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं आएगी तब तक आप लोगों को उसे सही नहीं मानना, सच नहीं मानना। सच सिर्फ उसी को मानना है जो रिम्पी मैम दिखाएगी या CBSE की वेबसाइट पर आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे पहले कोई फेक अनाउंसमेंट आ जाती है और हम लोग उसी पर वीडियो बना देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ वेबसाइट पर है, जो बच्चों के लिए हितकारी है, वही चीज़ दिखाएंगे हम लोग आप लोगों को। और आप लोगों के लिए एक नोटिस है मेरे पास, क्योंकि आप लोगों को पता है जो रिम्पी मैम का जो ऐप है सक्सेस मास्टर ऐप, तो वो सक्सेस मास्टर का जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं या सैम्पल पेपर हैं वो मिलेंगे, आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों की प्रैक्टिस कराना हमारा फ़र्ज बनता है, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी करवाना, यानी कि NCERT फुल NCERT सिलेबस। तो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया ही था कि पूरा का पूरा 10th क्लास का जो सिलेबस है हमने अपने ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो आप लोगों को अगर NCERT की लाइन टू लाइन तैयारी करनी है 10th क्लास के बच्चों के लिए, है ये अनाउंसमेंट, तो हमारे ऐप के ऊपर जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, वो कोर्स ख़रीद सकते हो आप लोग। 10th क्लास का पूरा कोर्स सिर्फ 4000 रुपये में है। और ये देखो, ये सैम्पल पेपर का जो मैंने नोटिस डाला है, सारे के सारे आप लोगों को सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उनके सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगी। पिछले सालों के यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं खुद करवाऊंगी मैं सॉल्व। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है।
तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके बोल सकते हैं कि इस पेपर का हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए, और वैसे सभी बच्चों को सॉल्यूशन मिल जाएंगे और आप लोगों को ये सारे के सारे सैंपल मिलेंगे सिर्फ 49 रुपीज़ में, सिर्फ 49 रुपीज़ में आप लोगों को सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सोल्व करें, क्योंकि जो बड़े मार्क्स के, ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, वो उन्हीं में से आएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आप लोगों को बताया है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व होंगे। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कहाँ कौन सोल्व करवाएगा आप लोगों को पता है, कहाँ मिलेंगी, सक्सेस मास्टर ऐप के ऊपर मिलेंगी, जो कि रिम्पी मैडम का है। नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सिर्फ 49 रुपीज़ में सारे के सारे सैंपल पेपर हैं जो, वो ख़रीद लीजिए, ठीक है। आप लोग वहाँ से सारे के सारे बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को इन सैंपल पेपर से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इनके सोल्यूशन हम लोग अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैम हम तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जैसे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं 4 मई से आपके पेपर हैं, तो 4 मई से पेपर हैं, यानी कि पूरी मई आपके पेपर चलेंगे। उसके बाद जो HU का पेपर होता है वो तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होता है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम दे देता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मैं तैयारी कर लूँगा, 3 मंथ का टाइम मिलता था, जैसे मार्च में पेपर हो जाते थे, अप्रैल मई और जून 3 मंथ का टाइम मिलता था, जुलाई में पेपर होगा HU का, तो अब तो मई के अंदर पेपर होंगे, तो 1 मंथ का टाइम मिलेगा। 1 मंथ में कोई भी बच्चा तैयारी नहीं कर सकता, है ना, कोई ऐसा भगवान का वरदान मिलके नहीं आया है किसी को कि ये तो बिल्कुल आइंस्टाइन पैदा हुआ और 1 महीने में ही पेपर क्लियर कर देगा या अच्छी रैंक ले आएगा। तो अगर अच्छी रैंक से सिलेक्ट होना है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली बात है रिम्पी मैम और सुमित सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर हमारे साथ जुड़ना ही है, तैयारी करनी है, तो मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ कि 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 10 दिसंबर का बैच था, अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन नहीं किया, बाय चांस किसी वजह से रह गए, या आपके माइंड में ये था कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ अभी टाइम नहीं है आपके पास। जो आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, उसके अंदर ही आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों का काफ़ी सारा सिलेबस हो जाएगा मई तक। तो उसके बाद 1 मंथ में आप रिवीजन कर सकते हो आराम से और सेलेक्ट भी हो सकते हो। तो आप लोगों को पता है चेकिंग भी इतनी हार्ड नहीं होगी, लूज होगी, आप लोगों का 10th क्लास में फेल होने का डर तो है नहीं, और 10th क्लास में फेल होने का डर था जिन बच्चों को, वो तो फ्री है अब, तो इससे अच्छा तो ये है ना कि 10th के साथ कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाएं। तो ये ऑफर है आप लोगों के लिए कि लाइफ ऐसा कोई चांस दे रही है। कोरोना को पॉजिटिव लेके चलो, ये मत सोचो कि कोरोना की वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको पॉजिटिविटी में लेके चलो कि कोरोना आया तो हम फेल नहीं होंगे 10th क्लास में, और 10th क्लास में फेल होने का डर नहीं है तो हम लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा हम लोगों को। तो एक पॉजिटिव वे में लेके चलो इस चीज़ को आप लोग, कोरोना को। तो कोरोना तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जो आप लोग फेल नहीं होगे, फेल होने का डर नहीं है जिस बच्चे को, यानी कि वो तैयारी कर सकता है, आराम से तैयारी करो। और अगर 10th में भी अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी आप लोगों के लिए कि सक्सेस मास्टर ऐप डाउनलोड करो और उसके ऊपर आप लोगों को पूरा का पूरा 10th क्लास का कोर्स मिल जाएगा, उसके अंदर लाइन टू लाइन कवर कर रखा है। ओके, तो बच्चों तैयार है ना, 1 फरवरी से बैच, न्यू बैच स्टार्टिंग हो रही है, आप लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम है जो बच्चे आना चाहते हैं। और आप लोगों का रिम्पी मैम को तो का तो पता ही है, एग्रीकल्चर में बेस्ट हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।